हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स। स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज की इस एसएससी सीजीएल की सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 अगस्त 2017 शिफ्ट 2 के जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सीरियस है अपने एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ज़रूर कवर करके जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी में बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो है काफ़ी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपको स्कोर करवा सकते हैं अच्छे से अच्छे मार्क्स। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि उससे जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलेगा, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अपना फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि जब आप फीडबैक देते हैं तब हमें पता लगता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा इस वीडियो का मेन टारगेट है एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एंड सीपीओ, और हम चाहते हैं कि आप अपने जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में 50/50 स्कोर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2017 9 अगस्त 2017 शिफ्ट 2 में पूछे गए जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, इन विच मार्केट फॉर्म अ मार्केट और एन इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय अ सिंगल सेलर। देखिए, जो मार्केट है, कई मार्केट फॉर्म्स होते हैं, तो कौन सा मार्केट फॉर्म है जिसमें जो मार्केट है या जो इंडस्ट्री है उसमें एक ही सिंगल सेलर होता है। देखिए, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जहाँ पर सिंगल वर्ड यूज़ किया जाए उसका मतलब होता है मोनो। तो आपको याद रखना है, मोनोपोली इसका करेक्ट आंसर है। ओलिगोपोली का मतलब होता है फ्यू सेलर्स, और आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो मोनोपोली इसका करेक्ट आंसर है। मोनोपोली इज अ मार्केट फॉर्म, अ मार्केट और इन इंडस्ट्री विच इज डोमिनेटेड बाय अ सिंगल सेलर। देखिए, अगर आपसे बायलेटरल मोनोपोली पूछा जाए कि बायलेटरल मोनोपोली क्या होती है, तो बायलेटरल मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है और सिंगल बायर होता है। तो ये सारे टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, और बायलेटरल मोनोपोली में एक सिंगल सेलर और वन सिंगल बायर दोनों होते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो मोनोपोली रेफर्स टू मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देर अ सिंगल सेलर डोमिनेट्स अ होल मार्केट बाय सेलिंग हिज यूनिक प्रोडक्ट। तो मोनोपोली में होता है सिंगल सेलर। नेक्स्ट बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो रिगार्डेड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कई टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे कि डिस्गाइज, फ्रिक्शनल, सीजनल, साइक्लिकल। तो इस तरीके की सारी अनएम्प्लॉयमेंट के ये टाइप्स हैं। तो इसमें जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये जो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सारे टाइप्स का आपको अनएम्प्लॉयमेंट पढ़नी है अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। तो जब एक से ज़्यादा पीपल जो हैं, कई पीपल जो हैं वो एंगेज होते हैं किसी एक्टिविटी में, तो जब नंबर उस मतलब कि कोई काम है उसमें ज़्यादा पीपल एंगेज होते हैं, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पीपल एंगेज होते हैं, उसको बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और ये जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट में आता है, विच आर द फॉलोइंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। देखिए, क्वेश्चन जो है ये हमने बार बार आपको रिवाइज करवाया कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो तीन चीज़ों से कंपोज्ड है। एक है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति हैं, और दूसरे काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, जो कि अपर हाउस है इंडियन पार्लियामेंट का, और हाउस ऑफ द पीपल जो है लोकसभा, जिसको हम बोलते हैं लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो इन तीनों चीज़ों से जो है हमारा इंडियन पार्लियामेंट बना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा जो है वो नहीं है, प्रेजिडेंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो फोर्थ ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन से आपको ध्यान में रखना है। तो पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द टू हाउसेस। ये चीज आपको बार बार याद दिलवा रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो घुमा फिरा के बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कभी पूछ लिया जाता है कि क्या प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन पार्लियामेंट के पार्ट है, ये चीज इस तरीके से भी आ सकती है। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। हु बिल्ट द कोणार्क सन टेम्पल। देखिए, कोणार्क सन टेम्पल, इसको आपको लोकेशन याद रखनी है। ये सन टेम्पल है, आपको याद रखना है। ये पूछा गया है कि कोणार्क सन टेम्पल जो है वो किसने बनाया है, तो ये नरसिम्हा देवा वन ने बनाया है ये टेम्पल। तो ये आपको याद रखना है, ये जो टेम्पल है ये किंग नरसिम्हा देवा ने बनवाया है, और 1250 CE में ये टेम्पल बनवाया गया था, कोणार्क सन टेम्पल। इट इज बिल्ट बाय नरसिम्हा देवा वन। नेक्स्ट बात है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
बार पूछा गया है, आपको क्वेश्चन ध्यान में पढ़ना है। एक क्वेश्चन आता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वॉरेन हेस्टिंग, तो आपको याद रखना है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज वॉरेन हेस्टिंग। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था उसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको हटा के उसकी पोजीशन को डेजिग्नेट कर दिया गया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स थे जो काउंसिल है उसको असिस्ट करने के लिए। और पहले जो गवर्नर जनरल बने बंगाल के वो थे वॉरेन हेस्टिंग, उनका टेन्योर था 1772 से लेकर 1785 तक। तो आपको याद रखना है अगर आपसे फर्स्ट वॉइस रॉय पूछा जाए तो पहले वॉइस रॉय हैं लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरीके से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होकर जाना है, किसी भी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अमेजॉन रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखिए अमेजॉन रिवर जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम। और लार्जेस्ट रिवर अगर आपसे पूछा जाए तो वो है नाइल रिवर जो कि इजिप्ट में फ्लो होती है और अफ्रीका की रिवर है। और जो अमेजॉन रिवर है वो लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम और ये फ्लो होती है ब्राज़ील में। तो ये आपको साउथ अमेरिका की ये रिवर है, इसमें ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका की कंट्री है, तो आपको याद रखना है ब्राज़ील में ये रिवर फ्लो होती है, लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम है साउथ अमेरिका की। आपको कई सारी चीजें याद रखनी है जैसे कि अमेजॉन रिवर है, वहां का जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो है पंपास, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो अमेजॉन रिवर है ये है ब्राजील की रिवर और ये जो है ये ब्राजील और पेरू में फ्लो होती है और ये पार्ट है बॉर्डर बिटवीन कोलंबिया एंड पेरू का। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए साउथ अमेरिका में एक अटाकामा डेजर्ट भी है जो कि वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो है सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, लेकिन ड्राइएस्ट डेजर्ट जो है वर्ल्ड का वो है अटाकामा डेजर्ट जो कि लोकेटेड है साउथ अमेरिका में। तो आपको कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन भी कवर करके जाने हैं अपने एग्जाम के लिए क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वॉट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज। देखिए ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम क्या है या फिर सह्याद्री रेंज का दूसरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि जो सह्याद्री रेंज है उसको हम वेस्टर्न घाट्स का ही ये दूसरा नाम है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो उसका करेक्ट आंसर है वेस्टर्न घाट्स। देखिए वेस्टर्न घाट्स जो है ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्टर्न जो दो रिवर जो है वो वेस्टर्न फ्लो रिवर भी है, ये आपको याद रखनी है, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती। लूनी रिवर भी वेस्ट फ्लो करती है और अपना वाटर जो है अरेबियन सी में जो है डिस्चार्ज करती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो वेस्टर्न घाट्स को हम बोलते हैं सह्याद्री हिल्स जो कि 1600 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन रेंज है जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में रन होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो मेजर पोर्ट्स है वो आपको याद रखने हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि है नावा सेवा पोर्ट जिसको बोलते हैं, मुंबई पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, मोरगांव पोर्ट, गुजरात का कांडला पोर्ट, ये सारे जो हैं ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। हमने पोर्ट्स पे भी वीडियो बनाई है तो प्लीज पोर्ट्स जरूर कवर करके जाइए। और सह्याद्री रेंज जो है उसका दूसरा नाम है वेस्टर्न घाट्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की खोज किसने करी, तो ये है आपको याद रखना है एंटोनी वेन ल्यूविन हुक। तो आपको याद रखना है इनका नाम एंटोनी वेन, इन्होंने खोज करी बैक्टीरिया की। वॉट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। देखिए जो ग्रुप होते हैं सिमिलर सेल के जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं हम टिश्यूज। तो टिश्यू जो है वो कई सारे ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शंस होते हैं और वो एक साथ मिलकर किसी एक काम कोई एक काम करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो लिविंग टिश्यू इज मेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विच ऑल वर्क टुगेदर टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। तो इसका करेक्ट आंसर है टिश्यू। प्लांट टिश्यूज आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। देखिए प्लांट टिश्यूज जो हैं वो टोटल 3 टाइप के होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 3 टाइप कौन कौन सी है वो हम आपको बता देते हैं। एक है डर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर। तो 3 टाइप के प्लांट टिश्यूज हैं, हो सकता है अगले एग्जाम में आपको ये तीनों ही ऑप्शन में दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन से प्लांट टिश्यूज हैं। तो आपको याद रखना है कि 3 टाइप के प्लांट टिश्यूज होते हैं, डर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। वॉट इज अ बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। तो देखिए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बग का मतलब क्या होता है। देखिए बग जो है होता है वो एक एरर होता है प्रोग्राम में और ये वायरस नहीं होता। ये एरर जब भी आ जाता है प्रोग्राम में तो उसको बोला जाता है बग। तो ये कंप्यूटर का टर्म है जो कि हम जो कि कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो हैं वो आसानी से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन टर्म है जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। तो बग इज अ एरर इन प्रोग्राम। नेक्स्ट में हम आते हैं पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। देखिए ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होता है।
देखिए, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है वो स्लाइटली बेसिक होता है, नॉर्मली स्लाइटली बेसिक होता है, और इसकी जो रेंज होती है पीएच रेंज वो है 7.35 से लेकर 7.45 तक। तो जो यूजली जो ब्लड मेंटेन अपना पीएच जो ब्लड का होता है वो मेंटेन रहता है 7.40 पे। तो पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज स्लाइटली बेसिक। इन विच सिटी इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो देखिए, FRI जिसको हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये कौन सी सिटी में लोकेटेड है और कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ये FRI लोकेटेड है, और काफ़ी अच्छी प्लेस है। अगर आप कभी विजिट कर सकें इस प्लेस को तो अच्छे से विजिट कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्लेस है FRI, जो कि देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है, और इसको FRI देहरादून भी बोला जाता है। और यहाँ पर आपको आर्किटेक्चरल मार्वल एंड वास्ट कलेक्शन मिलेगा फॉरेस्ट्री रिलेटेड आइटम्स का। तो कई सारे म्यूजियम हैं यहाँ पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो कि लोकेटेड है देहरादून उत्तराखंड में। वॉट वॉज इन्वेंटेड बाय जयश्रियास जेनसन? तो देखिए, इनके द्वारा जो ये जेनसन है, इनके द्वारा क्या इन्वेंट किया गया? तो इनके द्वारा इन्वेंट किया गया माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय जेनसन। जो पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वो जेनसन द्वारा जो है इन्वेंट किया गया। नेक्स्ट मैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम बॉल इज नॉट यूज? तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आपने इन गेम्स के बारे में जानते हैं तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, फुटबॉल जो है इसमें बॉल यूज़ करी जाती है, बॉल जो है वो किक की जाती है बॉल, और क्रिकेट में भी बॉल का यूज़ होता है। आप देख सकते हैं क्रिकेट, काफ़ी लोग फैन होते हैं क्रिकेट के, तो क्रिकेट के बारे में आपको पता होगा। टेनिस में भी बॉल का यूज़ किया जाता है, बट जो बैडमिंटन है उसमें बॉल का यूज़ नहीं किया जाता, उसमें एक शटल होती है और एक कॉक होती है जिसका यूज़ करके जो है ये गेम खेला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बैडमिंटन। बैडमिंटन में बॉल यूज़ नहीं की जाती, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसमें रैकेट्स यूज़ किए जाते हैं और जो शटल कॉक होती है उसको हिट किया जाता है अक्रॉस अ नेट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ विच कंट्री? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार जो है SSC में पूछा जाता है, चाहे SSC CHSL हो, CGL हो, JEE हो, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इंडिया की जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो किस कंट्री के साथ है। तो देखिए, इंडिया के कई सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि आप देख लें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, उनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है इंडिया की वो है बांग्लादेश के साथ, और सबसे शॉर्टेस्ट पूछी जाए तो वो है अफगानिस्तान के साथ। तो बांग्लादेश के साथ भी हमारी इंडिया की कई कंट्री जो कई स्टेट्स जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे अगर आप मैप में देखें तो आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारी जो स्टेट्स हैं, मेघालय, ये 5 स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है इंडिया के साथ, जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होती है जिस कंट्री की, वो है बांग्लादेश। और शॉर्टेस्ट पूछा जाए तो वो है अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को टच करता है इंडिया के। इस तरीके से आपको सारे ही जो इंडिया के स्टेट्स जो कि दूसरी कंट्रीज़ को टच करते हैं, जैसे पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर है, या फिर नेपाल से, सिक्किम से, तो ये आपको एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और आपको इंडिया का मैप पूरे अच्छे तरह से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। तो इंडिया जो है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, और ये बॉर्डर अप्रॉक्स 4,096 किलोमीटर लॉन्ग है और लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है, और वर्ल्ड की 5th लॉन्गेस्ट बॉर्डर है ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके के क्वेश्चन हम बार बार रिपीट करते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन ज़रूर करेक्ट मार्क कर आएँ, ताकि आपको अच्छे से अच्छा स्कोर मिल सके। तो ये थे क्वेश्चन जो कि SSC CGL 9 अगस्त 2017 में पूछे गए हैं। शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस हैं जनरल अवेयरनेस के, जो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करेंगे। हमने पूरी कोशिश करी है कि अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड करें अच्छे कंटेंट के साथ। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपका एग्जाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही हो, और ये आपको आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि उससे जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलेगा, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तब हमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करें। और हमारा फेसबुक पेज है स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। ईमेल आईडी tutorialstudy@gmail.com, आप इसे अपनी कोई भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस सो दैट वी कैन हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। सो थैंक यू एवरीवन।